class. I'm your English teacher, Mr. Giran Bhatti. And as you know, we are doing chapter 4 on great freedom fighter. And just remember, this chapter we are Netaji Subhash Chandra Bose ji ki hum story ke bare mein padh rahe hain, right? And agar beta main baat karu, hum beta period 25 padhte hain. Period 25 se hum second paragraph, second line se hum start karna hai. Yahan par likha hai beta, agar aap dekh payenge, dekhiye na, he was born at Cuttack on 23rd January. Yahan se hum start karte hain. Chaliye. He was born at Cuttack on 23rd January 1897. Netaji Subhash Chandra Bose ji ka janam 23 January 1897 ko hua tha. He was brought up with great love and care. Brought up ka matlab hota hai beta, ye to dekhiye, brought up ka matlab hota hai grown up, he spent his childhood. Ke brought up ka matlab hota hai beta, wo jagah jahan par kisi koi bachcha khelta hai, kudta hai, bada hota hai, right? He was brought up with great love and care. Ke unki beta jo parvarish thi, wo bahut pyar se aur bahut dhyan se unke maa baap ne achhi tarah kari thi. He went to school at the age of 5. वो बेटा 5 साल की उम्र से उन्होंने स्कूल जाना शुरू करा. He was meritorious student and got scholarship. वो बेटा meritorious मतलब होता है बेटा brilliant, बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई में, right? He was brought up with great, sorry. He was a meritorious student and got scholarship. मतलब बेटा वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे. इसी वजह से हमको बहुत सारी scholarships भी मिली थी. As a student, he served the needy of sick people. He served the needy and the sick people. और उन्होंने बेटा स्टूडेंट होने के साथ साथ बेटा उन्होंने नीडी सर्व का मतलब होता है बेटा सेवा करना, क्या सर्व मतलब सेवा करना. ही सर्व द नीडी एंड सिक पीपल के मतलब उन्होंने बेटा जब वो स्टूडेंट भी थे, जब भी उन्होंने बेटा उन लोगों की मदद करी जिनको मदद की जरूरत थी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता, जब बेटा उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मतलब क्लास 12 तक जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कोलकाता में गए और उन्होंने वहाँ पे बीए पढ़ा, है ना. ये रहा आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कोलकाता, कि जहाँ पर जो बेटा उनका प्रेसिडेंसी कॉलेज था कोलकाता में, वहाँ पर उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करी. ही टुक एडमिशन टू बीए इन स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फिर बेटा वहाँ से वो बीए का मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का एडमिशन लेने बेटा वो स्कॉटिश कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए, ऑल्सो इन कोलकाता, जो भी बेटा कोलकाता में ही था. Once his BA was completed, एक बार बेटा जब उनकी BA कंप्लीट हो गई, 3 साल का कोर्स होता है अभी, अब माइंड बेटा शायद उस टाइम पे 2 साल का, 3 साल का होता होगा. He went to England where he passed the Indian Civil Services examination within 8 months. और फिर बेटा अपना BA का कोर्स फिनिश करने के बाद वो इंग्लैंड गए, जहाँ पर उन्होंने बेटा अपना ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम 8 महीनों की पढ़ाई के बाद कंप्लीट कर लिया. Having passed the ICS examination, Subhash Chandra Bose could well have served on a high post of his choice. ICS का पेपर क्लियर करने के बाद बेटा सुभाष चंद्र बोस जी अगर चाहते तो वो इंग्लैंड में बेटा बहुत अच्छी पोस्ट पे लगकर वहाँ पर अपनी जॉब कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर. बट ही डिड नॉट लाइक द आइडिया, बट उनको ये पसंद नहीं था. वो बेटा किसी के गुलाम बन के नहीं रहना चाहते थे, वो बेटा अपने देश की सेवा करना चाहते थे. व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, वो बेटा अपनी पढ़ाई का पूरी करने के बाद इंडिया वापस आए. ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने बेटा INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा. पेरियड 26 का जी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. At the call of Gandhiji, Gandhiji के बुलाने पर सुभाष चंद्र बोस jumped into the struggle for freedom. के बेटा गांधीजी के बुलाने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी बेटा उन्होंने क्या करा, he jumped into the struggle for freedom. के उन्होंने बेटा jumped into मतलब participated, कि उन्होंने भारत की struggle के लिए, भारत की independence के लिए, आज़ादी के लिए जो struggle करी उसमें गांधीजी के साथ participate करा, उनका सहयोग कर, उनका सहयोग दिया. He boldly opposed the policies and programs of the British who were bent on crushing the struggle. उन्होंने बेटा completely boldly मतलब होता है completely opposed होता है to be against, कि उन्होंने बेटा British government के जो programs और policies थे सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए. क्योंकि बेटा वो अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे अपने उन अंग्रेजों के शासन से. They arrested him and put him behind the bars. फिर उन अंग्रेजों ने क्या करा बेटा, सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया. बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है बेटा पुट इनटू द जेल. सुभाष चंद्र बोस वाज स्टिल एज फियरलेस एज एवर. सुभाष चंद्र बोस जी ने बेटा यहाँ पर भी अपनी हार ना मानते हुए ना नहीं मानी और बेटा वो डट कर उन्होंने उनका मुकाबला करा. नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट इट वॉज सेवरल टाइम्स व्हेन ही वेंट टू द जेल. एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु बहुत बार ऐसा हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस जी जेल गए थे. His too much participation in the freedom struggle, उनकी बेटा इतनी ज़्यादा freedom struggle में participate करने के बाद and the jail life badly affected itself. और बेटा उन्होंने इतना सारा struggle करा, इतनी मेहनत करी अपने बाकी अपने
अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्ट्रगलर्स के साथ, के अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए गांधी जी के साथ मिलकर कि उन, और इतने बार बेटा वो जेल गए कि उनके अपने पर्सनल हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, वो बेटा कमजोर होते जा रहे थे, येट ही वेंट ऑन फाइटिंग लाइक अ सोल्जर फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। परंतु बेटा उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने देश के लिए वो एक सैनिक की तरह, एक जवान की तरह डटे रहे और अपने देश को आज़ाद करवा के ही माने आखिर तक। द इंडियन नेशनल कांग्रेस चोज हिम इट्स प्रेसिडेंट ट्वाइस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बेटा सुभाष चंद्र बोस जी को दो बार अपना प्रेसिडेंट चुना था। हियर ही वर्कड विद ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इनको बेटा मौका मिला, इनको अवसर मिला कि वो दो ग्रेट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम करने का इनको अवसर मिला, इनको मौका मिला। He had different views about the freedom struggle. उनके बेटा फ्रीडम को अपने देश को आजाद करवाने के लिए बहुत अलग विचार थे। And other leaders of the party did not agree with them. और क्योंकि बेटा इनके इतने अलग अलग विचार थे तो शायद पार्टी में जितने अलग अलग जो एम्प्लॉइज थे या हम कह सकते हैं पार्टी में अलग अलग जो पार्टीज में पार्टी के जो अलग अलग लोग थे उनको शायद इनके विचार पसंद नहीं आए। बट हिज लव फॉर द कंट्री वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एनीबडी एल्स। परंतु बेटा इनका जो प्यार था अपने देश के लिए वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा था और ये बेटा अपने देश को आज़ादी दिलाना ही चाहते थे। आज की बेटा हम अपनी क्लास मूव ओवर करते हैं, ये आपके सामने वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको अपनी ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक नोट डाउन कर दीजिएगा, डन। एंड नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा उसमें आप इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप कंप्लीटिंग योर वर्क। एंड इनके साथ कोई प्रॉब्लम कोई डाउट होता है डेफिनेटली आप उसे पूछ सकते हो, अपना ऑडियो नोट भेज सकते हो, वीडियो नोट भेज सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बट बेटा प्लीज यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है, राइट। आई डो नॉट वॉन्ट कि सर एक बच्चा काम कर रहा है सर बाकी पीछे है या सर दो बच्चे काम कर रहे हैं बाकी पीछे, जी नहीं बेटा, यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड यू ऑल हैव टू कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।